हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो एसक्यूएल ट्यूटोरियल में आज हम देखने वाले हैं सेलेक्ट टॉप क्लॉस, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट टॉप क्लॉस आज हम देखने वाले हैं, क्लॉसेस हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी वेयर क्लॉस भी देखा था, तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी सेलेक्ट टॉप क्लॉस ही है। बहुत सिंपल टॉपिक है, बस आपको बताना था कि मतलब एक चीज़ों को सेलेक्ट करके आपके रिकॉर्ड में से कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करके देखना कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये देखो, उससे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा थियोरी बता देता हूँ कि क्या है। ये देखो, एसक्यूएल सेलेक्ट टॉप क्लॉस। सेलेक्ट टॉप क्लॉस इज़ यूज टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू रिटर्न। हमें ना कुछ स्पेसिफाई नंबर को यहाँ पर देना पड़ेगा। सेलेक्ट टॉप क्लॉस जो होता है मतलब एक स्पेसिफाई नंबर की तरह इसे यूज़ होता है। जब हम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड हम चेक करते हैं तो इतनी ही हमें लिमिट में इतनी ही डेटा चाहिए, और यहाँ पर आपको टॉप से ही आपको पता चल जाएगा कि आपके रिकॉर्ड के जो टॉप डेटा है मतलब जो हम कंडीशन लगाएंगे उस कंडीशन के बेस पे जो टॉप रिकॉर्ड मिलेगा, रिकॉर्ड जो मिलेगा वो हमें यहाँ पर लिमिट के द्वारा हमें नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स लिमिट के द्वारा हमें आउटपुट में रिटर्न करें। जब हम कोड करेंगे, जब क्वेरी हम चलाएंगे MySQL डेटाबेस सिस्टम में, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। शायद ये थ्योरी आपको समझे या ना समझे वो मैटर नहीं है, तब आपको बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर मैं कह रहा था कि नीचे सेलेक्ट टॉप क्लॉज इज़ यूजफुल ऑन लार्ज टेबल्स विथ थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्निंग ए लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कैन इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। मतलब बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स रहेंगे, तो उसमें से अगर हमें कुछ पर्टिकुलरली हमें डेटा चेक करनी है, तो आपको मतलब एक एक डेटा आप चेक करोगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, बराबर। तो थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड जब रहेंगे तो वहाँ पर से आपको कुछ पर्टिकुलरली यही डेटा हमें देखनी है या फिर ऐसी यही चीज़ें हमें देखनी है, तो आप चेक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, काफ़ी टाइम चले जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक सेलेक्ट टॉप क्लॉस इजीली आपको चेक करने के लिए इजीली हमें एक डेवलपर्स को, SQL डेवलपर्स को या फिर कोई भी डेटाबेस डेवलपर को अपनी लाइफ जो है इजी बना देता है। ये एक छोटा सा क्लॉज है, दो तीन लाइन का काम है। तो इसी से आपको आपका जो रिकॉर्ड आपको चाहिए रहेगा, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स में से, बहुत सारे हज़ारों रिकॉर्ड में से पर्टिकुलरली कुछ चीज़ों का रिकॉर्ड चाहिए रहेगा, तो आप इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, थ्योरी शायद आपको मैं कंफ्यूज कर दिया रहूँगा कुछ लोगों को, या फिर शायद आपको समझा नहीं होगा, तो कोई मैटर नहीं है गाइस। तो जब हम क्वेरी करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं क्वेरी करता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारा जो MySQL डेटाबेस है उसे मैं ओपन करता हूँ, फिर हम क्वेरी करेंगे उसमें, क्वेरी फिर एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर MySQL डेटाबेस तो खुल चुका है, तो हमें यहाँ पर कनेक्शन यहाँ पर बिल्ड करनी पड़ेगी। कनेक्शन मैंने बिल्ड कर लिया, कनेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम हमारा जो डेटाबेस है उसे हम यूज़ करेंगे, यूज़ की क्वेरी मैं चला देता हूँ। यहाँ पर ओपन आ चुका है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को हटाता हूँ, और यहाँ पर उससे पहले मैं आपको हमारे टेबल का जो डेटा है, जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, वो मैं शो कर देता हूँ। ये देखो, ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, 13 रिकॉर्ड पड़ी है। मैंने थोड़े और भी डेटा यहाँ पर ऐड कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ताकि क्या हो रहा है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये देखो, 1 से लेकर 13 तक के डेटा पड़ी है, जिसमें एक स्टूडेंट का डेटा है। हमने स्टूडेंट के नाम भी अतरंगी नाम लिए, चलेगा, कोई मैटर नहीं है। बस आपको एग्जांपल के लिए, अच्छे से समझ में आने के लिए मैंने बताया हूँ ऐसे ऐसे डेटास, ठीक है। रिकॉर्ड्स तो एज भी है, सिटी भी है, सब है, ओके। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हमारे क्वेरी वन वाले टैब में मैं आता हूँ, और यहाँ पर मैं क्वेरी चलाता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैं क्वेरी चलाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मतलब आपको यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी सेलेक्ट। तो सेलेक्ट करोगे तभी तो क्वेरी कर पाओगे, पर्टिकुलरली एक इस टेबल के इस कॉलम को सेलेक्ट कर रहे करके तो क्वेरी तो चलानी पड़ेगी, बराबर। तो मैं स्टार यूज़ करके हमारे स्टूडेंट टेबल के सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड देन मैं लिमिट देता हूँ कि मुझे 3 डेटा चाहिए, हमारे जो स्टूडेंट के सिर्फ टॉप के 3 डेटा चाहिए, ओके। तो मैं लिमिट दे देता हूँ 3, ओके। तो अभी मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो और यहाँ पर आपको मैंने दे दिया हूँ, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको आउटपुट मिल जाएगी। ये देखो, मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया स्टूडेंट टेबल के सारे कॉलम्स को स्टार यूज़ करके, और लिमिट दिया मैंने 3। तो सिर्फ हमारे जो रिकॉर्ड में से सिर्फ 3 का रिकॉर्ड हमें आउटपुट में मिल चुका है, ओके। तो ये काम करता है आपका सेलेक्ट टॉप क्लॉस, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं 7 देता हूँ तो स्टार्टिंग के 7 दे देगा, टॉप के 7 दे देगा। ये देखो, 7 तक के रिकॉर्ड प्रिंट किया उसने, आउटपुट में दिया हमें 9 दिया, 9 दूंगा तो 9 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो 5 दूंगा तो 5 प्रिंट करेगा, तो सेंस बनता है गाइस। तो अभी आपको ये चीज़ समझा होगा, ओके। तो एक और चीज़ है यहाँ पर कि आपको कंडीशन देकर आपको
चेक करनी है कि हाँ यही चीज़ मुझे चाहिए ऐसा। तो अभी तो टॉप के तो आप तो देख लोगे, ठीक है, तो 1000 में से टॉप तो आप इतने में से इतना भी देख सकते हो, या फिर 1000 रिकॉर्ड्स है उसमें से 500 आपने लिमिट दे दिया, तो 500 रिकॉर्ड्स निकाल के फिर उसे सेव करके किसी को देना रहेगा तो दे दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गया। लेकिन इन मिडल 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 में अगर आपको कोई भी चीज़ अगर चेक करनी है, वेयर क्लॉस और मैं लिमिट रहने देता हूँ, एक काम करता हूँ, हाँ वेयर क्लॉस जिसकी सिटी है कि मतलब मैं यहाँ पर पटना दे देता हूँ, ठीक है, पटना मैंने मेरे इसमें दिया हूँ तो मुझे याद है तो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि मतलब हमारे सारे कॉलम में से मतलब सारे स्टूडेंट टेबल में से सारे कॉलम सेलेक्ट करो और उसमें से जिसका सिटी जो है कंडीशन में दिया, जिसका सिटी जो है वो पटना, उनका रिकॉर्ड प्रिंट करो। और लिमिट मैंने 5 दिया हूँ, मतलब अगर ज़्यादा रहा तो 5 ही प्रिंट करेगा, कम रहेगा तो 5 के अंडर में प्रिंट करेगा, ओके। तो यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ, तो एक ही है, ये देखो, फर्स्ट नेम जैकी और लास्ट नेम चैन, जैकी चैन है, एज 47 है, सिटी पटना है, ठीक है। तो लिमिट अगर हम मतलब अभी तो हमें पता है कि मतलब इतना है, मैं फिर भी लिमिट दे दे रहा हूँ। अगर हमारे पास और भी रिकॉर्ड होता तो वो भी प्रिंट होता, और लिमिट 5 तक की प्रिंट होती है बराबर, और भी ज़्यादा 10-15 है तो भी 5 ही प्रिंट होती, रिमेनिंग छोड़ देती, तो मतलब सिर्फ टॉप के वो 5 उठाता बराबर। तो आपको ये चीज़ समझा है अभी कि सेलेक्ट टॉप क्लॉस क्या करता है। तो मैं यहाँ पर ये देता हूँ कि स्टूडेंट आईडी जो है 10 से छोटा, ठीक है, मतलब स्टूडेंट आईडी जो है 10 से इक्वल और छोटा जिसका है वो प्रिंट करो, लिमिट है 5 स्टार्टिंग के 5। तो ये देखो ऊपर के टॉप के 5 प्रिंट किया उसने बराबर। तो यहाँ पर मैं बिटवीन भी दे देता हूँ, बिटवीन भी हम यूज़ करेंगे, क्या बोलते, बिटवीन मैं दिया हूँ, कहाँ गया, हाँ बिटवीन मैं दिया हूँ 4 से एंड 5 तक, ओके। तो ऐसा मैं दिया हूँ 4 से लेके 5, तो वैसे भी 2 ही प्रिंट करना है बराबर, तो उसको तो पता चल गया। अभी मैं यहाँ पर 13 दे देता हूँ, हमने लिमिट 5 दी है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सारे टेबल में से सेलेक्ट करके मैंने वेयर क्लॉज यूज़ करके स्टूडेंट आईडी दिया हूँ, स्टूडेंट आईडी की बिटवीन 4 से लेके 13 के जो डेटा रहेगा उन्हें उठाओ, लेकिन लिमिट 5 मतलब सिर्फ उसके टॉप के जो रिकॉर्ड हमें मिलेंगे उसके टॉप के 5 ही प्रिंट करना, ओके। तो यहाँ पर हमने, हाँ यहाँ पर हमने 4 से लेके 8 तक प्रिंट करवा दिया, तो मतलब 13 तक के रिकॉर्ड निकालेगा वो, लेकिन प्रिंट तो हमें लिमिट जितनी है उतनी ही हमें शो करेगा, ओके, उतनी ही डेटा हमें शो करेगा। तो 4, 5, 6, 7, 8, ओके, तो 5 है बराबर, 8 दे देता हूँ तो आई गेस पूरा आ जाएगा, ये देखो 11 तक आ रहा है, पूरा नहीं है, 11 तक आ रहा है, ओके। तो ये चीज़ आपको अभी समझ आएगी सेलेक्ट टॉप क्लॉस क्या करती है। ये थोड़ा सिंपल था तो मैंने थोड़ा पहले कवर कर लिया, बहुत लोग बाद में कवर करते हैं, बाद में बताते, बट मैंने थोड़ा पहले कवर कर लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या है, ये भी क्लॉजेज है। तो वो सिंपल टॉपिक था, तो स्टार्टिंग से एज ए बिगिनर स्टार्टिंग में से थोड़ा सिंपल टॉपिक कवर करके फिर थोड़ा एवरेज में फिर थोड़ा एडवांस में जाना थोड़ा बेटर पड़ेगा, वरना फिर डायरेक्ट डिफिकल्ट टॉपिक मैंने बता दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले सेलेक्ट टॉप क्लॉज बता दूँ, आई मीन थोड़े बिगिनर्स लेवल को सेलेक्ट टॉप क्लॉज बता दूँ, ठीक है। तो अभी आपको समझा होगा सेलेक्ट टॉप क्लॉज क्या है, और कंडीशन अप्लाई करके मिडल का भी डेटा कैसे प्रिंट करनी है वो चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो एक मैं देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं 3 दे देता हूँ, ओके, तो वो सिर्फ 3 का डेटा आएगा, ओके। ये देखो तो आपको समझ में आ गया, ओके, तो ऑलमोस्ट अभी आपको समझ में आ गया, कोई इतना टफ टॉपिक नहीं था गाइस, बहुत सिंपल टॉपिक था। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट MySQL वर्कबेंच को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करने से पहले आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वरना फिर आप थोड़ा आगे पीछे करके देख लीजिएगा, वीडियो को समझ में आ जाएगा गाइस। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना वीडियो को, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।